डाइवोर्स ले रहे हैं अभिषेक मलिक और सुहानी चौधरी, एक साथ कुमकुम भाग्य में आए थे नजर। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में एक साथ अभिषेक मलिक और सुहानी चौधरी नजर आए थे और सेट के साथ साथ उन्होंने असल जिंदगी में भी शादी कर ली थी। वेल, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स ले रहे हैं और इसी खबरों पर पुष्टि करते हुए सुहानी मलिक का बयान भी सामने आया है। दरअसल सुहानी मलिक ने अपनी डाइवोर्स के खबरों को सही ठहराते हुए काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैं अभिषेक मलिक से अलग हो रही हूं और मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। सुहानी ने बताया कि शादी से पहले सब कुछ ठीक था और जब शादी के बाद हम दोनों एक साथ रहने लगे तो हमारे बीच काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आने लगी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए अब मैं चाहती हूं कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। और यही बात अभिषेक मलिक ने भी कही है। अभिषेक ने कहा कि शादी के बाद सुहानी और मेरे बीच काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम दोनों अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों अलग हो जाए और ये फैसला हम दोनों ने साथ मिलकर किया है। मैं सुहानी के लिए बेस्ट विशेस करता हूं कि वो अपने फ्यूचर में बहुत आगे जाए और ये फैसला हम दोनों की सहमति से हो रहा है। वेल, मैं आपको बता दूं, सुहानी और अभिषेक ने 2021 में लव मैरिज की थी और शादी के 2 साल बाद ही ये लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। अभिषेक मलिक ने आगे बात करते हुए कहा कि मैंने ऑन स्क्रीन काफ़ी सारी शादियां की है लेकिन ये शादी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अलग होना पड़ रहा है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सुहानी अपने फ्यूचर में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आती है तो अभिषेक और सुहानी के फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो एक साथ देखना ही पसंद करते हैं। न्यूज़ अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।